कुछ बदलाव देखा आपने बीजेपी के राज में? मेन किसानों को ज्यादातर है बिजली पानी सब। बिजली पानी तो दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल। अरे तो चोर आदमी है। बीजेपी से क्या कुछ उम्मीद है आपकी? उम्मीद है ना, ये रोड देखिए, ये स्टेशन देखिए, क्या देख रहे हैं आप, पूरा दिल्ली देखिए। क्यों आ जाए मोदी, मतलब क्या है एकदम मोदी की मोदी ही मोदी आ जाए, आवास दे रहे रहने के लिए, फ्री राशन दे रहे रहने के लिए, आवास मिला है आपको? और क्या, दिल्ली का क्या कुछ माहौल है? यहाँ तो केजरीवाल बेकार कर रखा है सर, गलियाँ टूटी फूटी हैं, चार गलियाँ बना, सौ गलियाँ देखो, उधर जाके मंगोलपुरी सुल्तानपुरी में देखो जाके खड्डे खुड्डे हो गए हैं। दिल्ली में सरकार बदले इस बार? मोदी रहेगा, मोदी रहेंगे, सरकार बढ़िया है अपना बीजेपी। आ जाओ वो ओला उबर चला के हम लोग को तो रोजी रोटी फिर दिए है सरकार चाहते हैं बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने काम से नहीं किया क्या? दलाली चल रही है, दलाली चले, बिना दलाल के गाड़ी नहीं पास करा सकते हम। केजरीवाल ने जगह जगह पे ठेका खोल दिया, छोटे छोटे बच्चों को शराबी बना दिया दिल्ली के अंदर, मामले में तो जेल भी हुआ है। हाँ, उनको होनी चाहिए उम्र कैद होनी चाहिए। सरकार में से कौन सी सवारी चाहिए, बीजेपी वाली चाहिए या आम आदमी पार्टी वाली? मुझे तो बीजेपी चाहिए। कमाई अच्छी हो रही है आपकी? बिल्कुल नहीं, केजरीवाल ने सारे खा गए। लेडीज है ये लोग अब बस में ऑटो में आना कम कर दे रहे हैं, फ्री बस में जा। आज जिसकी लाख लाख रुपए सैलरी है वो भी बस में ही जाने को जो है तैयार बैठी है, एक एक घंटा बैठी रहती है वहाँ पे। काम कहाँ चल रहा है, बहुत काम की तो बहुत हालत खराब है, बसें फ्री कर दी, ये करना बहुत गलत करा, इससे हमारा रोजगार जुड़ा हुआ। नमस्कार, मैं सृष्टि शाह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल HB में। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ठीक मेरे सामने लगा है चुनाव का पर्व। ये इलेक्शन कमीशन की ओर से लगाया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि चुनाव का पर्व चल रहा है और मैं अभी दिल्ली की सबसे सियासत भरी सीट के पास मौजूद हूँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर मौजूद है और आज यहाँ पर आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती, तो वहीं बीजेपी की ओर से बांसुरी स्वराज को मौका दिया जा रहा है। वही बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी है, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ये बेटी है। तो वही सोमनाथ भारती की अगर बात करें तो ये तीन बार मालवीय नगर से विधायक रह चुके हैं, तीन बार ये विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। तो लेकिन दोनों ही पार्टियों ने इस बार दोनों नए प्रत्याशी नई दिल्ली से उतारे हैं यहाँ पे, इसलिए ये देखना और दिलचस्प हो जाता है कि जनता इन नए चेहरों में से किस पे खास भरोसा करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली में 10 साल होने को आए हैं और बीजेपी को भी केंद्र में 10 साल हो गए हैं। तो ऐसे में जनता, दिल्ली की जनता क्या चाहती है, क्या सियासी घमासान है, क्या मुद्दे हैं दिल्ली की जनता के। खासकर आप सब देख सकते हैं मेरे आसपास काफ़ी ऑटो स्टैंड है यहाँ पे और यहाँ पे ऑटो वाले ज़्यादा भैया हैं, तो इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का क्या कुछ मुद्दा है, किसे चाहते हैं, इनका जो मतदान है वो किसके लिए है और इन दोनों जो दो प्रत्याशी हैं इनसे क्या कुछ खास उम्मीदें हैं जनता की। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं जनता के बीच, क्या देखते हैं कौन सी सरकार? मेरे को सरकार से नहीं है फिलहाल तो, इनसे प्रॉब्लम है। किनसे प्रॉब्लम है? ये टिकट काट रहे हैं इधर से। कौन काट रहा है? ये टिकट कॉर्नर पे जो टिकट काट रहे हैं सही से जवाब ही नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे, सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। जिससे पूछ रहे हैं भाई वो वहाँ की टिकट कहाँ मिलेगी, और इधर मुंह फेर के बैठ रहे हैं हर बंदा। अच्छा, तो ये लोग सही से काम नहीं कर रहे? सही नहीं, बिल्कुल सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप ये जो मनमानी वाला सिस्टम है ये कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे सरकार कोई भी हो। लेकिन ये कहते हैं ना, एक निचले स्तर पे ये जो लोग होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं। तो ऐसा इनका भी कहना था कि ये जो यहाँ पे जो लोग हैं वो टिकट नहीं दे रहे, मुँह फेर ले रहे पूछने पर कि इन्हें जहाँ जाना है वहाँ की टिकट दे रहे, तो ऐसा इनका था कहना। तो चलिए और आगे जानते हैं, क्या नाम होगा आपका? राम। सवारी का इंतजार कर रहे हैं? सवारी इंतजार नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है भैया इस बार किसकी सरकार बनाएंगे आप? आज जो पहले से था वही चलेगा, पहले से था वही चलेगा, जो है वही चलेगा जी। कौन? नरेंद्र मोदी जी। बढ़िया काम किया है? बढ़िया काम, बहुत से काम किया, बहुत से काम किए। क्या कुछ सुविधा मिली आपको? मेरा सुविधा बहुत मिला, बढ़िया काम है सब जी। खुश है इनसे? साफ। अच्छा, तुम बताइए क्या लगता है कौन सी सरकार आए इस बार? बीजेपी वाले हैं। बीजेपी ही चाहते होंगे? हाँ। अच्छा, क्या कुछ बदलाव देखा आपने बीजेपी के राज में? काफी बदलाव है जी। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्या कुछ बदलाव देगा बताइए जरा एक बार। अरे जैसे किसानों का बेनिफिट है और
मेन किसानों का ज्यादातर है, बिजली पानी सब। बिजली पानी तो दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल दे रहे। अरे तो चोर आदमी है, बाहर आ गए वो जनता के लिए, आप कह रहे चोर आदमी है। और क्या, ऑटो वालों को सबकी हालत खराब कर दिया, कोई कमाई नहीं हो रही है। क्या बात करें, कमाई नहीं हो रही ऑटो वालों? नहीं, क्या कमाई नहीं हो रही ऑटो वालों? हाँ कमाई हो रही है। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है, बैटरी रिक्शा चालू कर दिया, ओला उबर चालू कर दिया। अच्छा, हम लोग तो भूखे मर रहे हैं। ओला उबर में चले जा रहे हैं, आप लोग खड़े रह जा रहे हैं? खड़े रह जा रहे हैं। आपको भी यही परेशानी है? यही परेशानी है सबको। फिर कैसे सही होगा इसका, कुछ इलाज कुछ सही है? इलाज क्या है, ओला उबर किया जाए बंद। अच्छा, इसको बंद कर दिए? हाँ। अच्छा, तो ठीक है। परेशानी होगी अगर ओला उबर बंद हो जाएगा, ये भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, अगर ये बंद हो जाएंगी तो और लोगों को भी तो परेशानी होगी। नहीं, किसी को पहले भी चलता था ना, इसके पहले ओला उबर नहीं थी तो कैसे चलता था, तब ज्यादा दिक्कत आ रही थी क्या? अभी तो यही हाल था ना। तो बीजेपी से क्या कुछ उम्मीद है आपकी? उम्मीद है ना, ये रोड देखिए, ये स्टेशन देखिए, क्या देख रहे हैं आप? पूरा दिल्ली देखिए, कहीं भी देखिए आप, बीजेपी ही है एक सरकार। महिलाओं को फायदा है, महिलाओं के सबको फायदा है। आज रोड अच्छा है तो हमें फायदा नहीं है, कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं। बिजली को फायदा है, किराएदार को नहीं है, किराएदार को बिल देना पड़ता है। हाँ, पानी का भी देना पड़ता है। अच्छा, तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। अब उसकी आती है, क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो बाद में पता चलेगा। तो बीजेपी बिहार का आएगी। अच्छा, बस नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसे आप घबरा जाए। बहुत सरल सवाल है, सरकार कैसी चल रही है? सरकार तो अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। भगवा गमछा की तरह चाहते इस बार भी भगवा लहरा जाए फिर से? हाँ, फिर से लहरा जाए, फिर से मोदी आ जाए। मोदी आ जाए, क्यों आ जाए मोदी? मतलब क्या है एकदम मोदी की, मोदी ही आ जाए? मोदी आ जाए, आवास दे रहे रहने के लिए, फ्री राशन दे रहे रहने के लिए। आवास मिला है आपको? और क्या, कहाँ के रहने वाले? हम मिर्जापुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश। आपको आवास मिला है? हाँ हाँ हाँ, सबको आवास मिला। आपको भी मिला है क्या आवास? हमारा मिला है। आप कहाँ के रहने वाले? हम आगरा साइड है। आप भी आगरा साइड से? मतलब लोगों तक पहुँचा है आवास योजना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, फिर ये जो विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं दिया, घर के नाम पे ये बस ऐसी ठेंगा दिखा बना रहे हैं। अच्छा, 70 साल तक विपक्ष लोग कांग्रेस काम किया, कुछ नहीं कर पाया, इसलिए इस बार मोदी पे ही भरोसा जता रहे हैं फिर से? हमेशा मोदी पे भरोसा जताएंगे, हमेशा हमेशा। अच्छा, तो दिल्ली का क्या कुछ माहौल है? नई दिल्ली है, ये सबसे सियासी वाली जगह है। यहाँ पे काफी बदलाव, यहाँ तो केजरीवाल बेकार कर रखा है सब। केजरीवाल बेकार कर, और क्या, गलियां टूटी फूटी हैं, चार गलियां बना, 100 गलियां देखो, उधर जाके मंगोलपुरी सुल्तानपुरी में देखो जाके खड्डे खुड्डे हो गए हैं। अच्छा, तो नहीं चाहते कि नई दिल्ली से सोमनाथ भारती जीते? हम तो मालूम नहीं, अभी तो मैं गांव से ही आया हूँ। अच्छा, आप गांव से आए हैं, गांव भी आगरा में, आगरा का ही आपका? हाँ, हमारा आगरा साइट है। अच्छा, तो वहाँ क्या कुछ व्यवस्था है, वहाँ क्या हालात? वहाँ तो सब कुछ, वोट पड़ गए ना, ये 7 तारीख को पड़े थे हमारे यहाँ पर। चुनाव का समय चल रहा है, कौन सी सरकार को इस बार चाहते हैं आपकी आए वो सरकार? तो पब्लिक को हमारे कहने से थोड़ी वो नहीं, लेकिन जनता में तो आप लोग भी आते हैं, एक मतदान बहुत होता है सरकार गिराने के लिए और बचाने के लिए। देखो, गिराने बचाने के लिए तो पब्लिक पे डिमांड करता है किसको चाहती है जी, हमारे एक को चाहने से क्या होता है। अच्छा, अगर ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे, सुविधाएं सही है सारी? नहीं, सुविधाएं तो सही नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे, बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या कुछ परेशानी है? कुछ परेशानी है, एक तो देखो यहाँ पर कोई बाथरूम नहीं है, ठीक है ना, गर्मी में पानी की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, टैक्सी वालों के लिए कोई नहीं, जब कहीं भी कोई भी पेशाब बाथरूम करना शुरू कर देता है, तो इसलिए यहाँ का ठीक नहीं है, पहले था ठीक था, अब नहीं है। तो बदलाव चलेगा यहाँ पे, चाहिए बदलाव तो चाहिए। अगर हम लोग अगर यहाँ रहेंगे टैक्सी ऑटो वाले, तो चाहते हैं यहाँ पे भी बीजेपी आ जाए ताकि ये सुविधाएं बदले। बीजेपी आ जाए तो अच्छी बात है, यहाँ भी आ जाए तो ठीक है। उम्मीद है बीजेपी से आपकी? उम्मीद तो है। अच्छा, अगर केंद्र की बात करें तो बीजेपी ने जो केंद्र में काम किया है कैसा लगा है आपको? नहीं, केंद्र में तो ठीक किया है, जहाँ तक जाना है ठीक ही है, काम से खुश है बीजेपी के आप? हाँ जी, ठीक है ठीक है। चाहते हैं कि दिल्ली में भी इस बार सियासत बदल जाए? जी जी। आप लोगों का जो भरोसा है वो अभी भी सोमनाथ भारती के साथ ना हो कि बांसुरी स्वराज के साथ नजर आ रहा है, तो चलिए यहाँ पे एक और अंकल जी, इनसे भी जानना चाहेंगे। भैया, दिल्ली में सरकार बदले इस बार? सरकार क्यों बदलेगी? नहीं बदलनी चाहिए? नहीं।
आम आदमी पार्टी ही रहे? नहीं, आम आदमी की पार्टी मोदी रहेगा। मोदी रहेंगे? हाँ, उसने तो पूछा बदले या ना बदले। बदल जाए सरकार तो बदल जाए जी। अच्छा, यहाँ से बांसुरी स्वराज है तो उनको मौका देना चाहते हैं आप, नई दिल्ली से प्रत्याशी बीजेपी के? मैडम हमें तो ऐसा मनोज तिवारी हैगा। मनोज तिवारी को चाहते हैं जी? तो मनोज तिवारी तो उत्तरी पूर्व दिल्ली से, वहीं से मैडम हम भी। अच्छा, तो जाते हैं, मनोज तिवारी है जी। कन्हैया कुमार नहीं है लाइन जी? नहीं नहीं, वो तो बहुत चुनाव प्रचार कर रहे एकदम मनोज तिवारी के उस पे अगेंस्ट में कर रहे होंगे, मगर हम इच्छुक नहीं है इसके। अच्छा, आप चाहते हैं मनोज तिवारी उनके जी? जी जी। अच्छा, क्यों, मतलब कुछ काम दिखा होगा आपका उनका खास? खास काम नहीं, वही है कि अपना सरकार बढ़िया है अपना बीजेपी। अच्छा, मतलब ये कि बीजेपी लहर में भी मनोज तिवारी निकल रहे हैं बस इसीलिए? जी जी जी। अच्छा, वैसे कुछ खास काम? वैसे कुछ काम नहीं। तो यहाँ पे नई दिल्ली में बदलाव चाहते हैं? चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? चाहते हैं। अच्छा, क्या कुछ परेशानी आ रही है आपको आम आदमी पार्टी के अंदर? कुछ परेशानी नहीं, परेशानी तो कुछ है नहीं है जी। वैसे चाहते हैं कि बीजेपी आए। ऊबर कैब वैब इससे क्या कुछ परेशानी आ रही है आप लोगों को? हम लोग को बहुत सुनने को मिल रहा है, बहुत परेशानी है उससे जी, बहुत परेशानी है। क्या कुछ मतलब आप लोग खाली बैठे हैं ना, सवारी बढ़ रही है ना कुछ? सवारी ने ओला उबर लेके चला जा रहा है कम रेट में जी। हम लोग को तो केजरीवाल भूखा मार दिया। लेकिन ओला उबर में सुविधा भी तो मान ली, एसी की हवा खा के कौन लू की हवा खाने आएगा? इतने दिन से एसी की हवा चल रहा था, पचासों साल से जी। पचासों साल से टैक्सी ऑटो चल रहा था ना, ओला उबर तो कोई नहीं था ना। आज ओला उबर चला के हम लोग को तो रोजी रोटी फिर दिए है। मतलब बहुत परेशानी है, तो परेशानी है। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती होगी, क्योंकि धूप भी बहुत ज्यादा है तो इसमें मेहनत भी लगती होगी और कमाई तो कुछ खास लग नहीं रहा है? नहीं है कमाई, बच्चों लोग इसे हम लोग से तो अच्छा पुराने हो गए हैं, इसलिए कहिए ना, तो बच्चों लोग पढ़ रहे हैं जी। ग्रेजुएशन, एक लड़की ग्रेजुएशन करके कोर्स कर रही है, बेटा पीजी कर रहा है, पढ़ाई में लगे हुए हैं। अच्छा, जो आता है वो पढ़ाई में ही जा रहा है? जा रहा, बचत नहीं हो रही है? बचत नहीं हो रहा। अच्छा, तो क्या चाहते हैं केजरीवाल से, बदलाव चाहते हैं, चाहते हैं कि बीजेपी आए या आम आदमी पार्टी कुछ सुधार करे? केजरीवाल तो ऐसे कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। हाँ। बात साफ क्लियर, हम वो सब नहीं, 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 हाँ। हकीकत है जी। बहुत तरह की बातें हैं, उठते रहता है, इसे अच्छा नहीं है। हम लोग को पहले कहते थे कि कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे, लेकिन आज आ भी गए हैं। आ भी गए हैं जी, तो इसे अच्छा नहीं है। तो भरोसा किसके साथ दिखाएंगे, बीजेपी के साथ इस बार? यहाँ बीजेपी के साथ दिखाएंगे हम। अच्छा, तो यहाँ से तो शायद बांसुरी स्वराज है यहाँ पे उम्मीदवार? अब उतना नहीं जानते हैं हम जी, जो भी है, लेकिन आप चाहते हैं कि बीजेपी आ जाए? बीजेपी आ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार चाहते हैं इस बार? बीजेपी। बीजेपी चाहते हैं? आम आदमी पार्टी ने काम सही नहीं किया क्या दिल्ली में? आम आदमी पार्टी ने ये गाड़ी पास कराने में, जो पहले कांग्रेस की सरकार थी 1300 रुपए दलाल लेते थे, अब आम आदमी पार्टी की सरकार में 5000 रुपए दलाल लेते हैं। अच्छा, 1300 से 5000 तक का सफर? हाँ, दलाली चल रही है, दलाली चले, बिना दलाल के गाड़ी नहीं पास करा सकते हम। अच्छा। फिटनेस नहीं करा सकते। तो ये सब परेशानी है, तो क्या कुछ उम्मीद है बीजेपी से इस बारी? किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से भी नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। अच्छा, उम्मीद नहीं है लेकिन वोट बीजेपी को ही जाएगा? हाँ। ऐसा क्यों? अच्छा, क्यों भैया ऐसा? ऐसा ही है मैडम। क्यों, मतलब चाहिए कि वो उम्मीद नहीं है लेकिन चाहिए बीजेपी? जी, बीजेपी कुछ स्तर पे काम सही किए हैं। अच्छा। कुछ सही किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि केजरीवाल ने जगह जगह पे ठेका खोल दिया, छोटे छोटे बच्चों को शराबी बना दिया दिल्ली के अंदर। अच्छा, इस मामले में तो जेल भी हुआ है? हाँ, उनको होनी चाहिए उम्र कैद, होनी चाहिए उम्र कैद, होनी चाहिए और क्या। चलिए, देख सकते हैं ये जो शराब घोटाले वाला मामला है, इस पे कहीं ना कहीं अभी भी जनता जो है एकदम गरमाई है, और इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को साल दो साल नहीं बल्कि उम्र कैद ही होनी चाहिए। सरकार में से कौन सी सवारी चाहिए, बीजेपी वाली चाहिए या आम आदमी पार्टी वाली? मुझे तो बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए, क्यों चाहिए, मतलब क्या बीजेपी से क्या मिल गया? कुछ नहीं, जो जो मिल रहा है वो मिल रहा है। अच्छा, जो मिल रहा है मिल रहा है, आम आदमी पार्टी से कुछ नहीं मिल रहा है? सबसे मिल रहा है। पार्टी ने सही काम नहीं किया क्या दिल्ली में?
देख रहे हैं लोगों का जो भरोसा है वो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। और अभी हम नई दिल्ली पे मौजूद है और ऐसे में जो जनता है वो अभी भी जो अपना भरोसा है वो बीजेपी के साथ दिखा रही है, आम आदमी पार्टी के साथ ना दिखाते हुए। और जैसे कि हम सब जानते हैं सोमनाथ भारती और बासुरी स्वराज में इस बार राजनीतिक तकरार है, तो चलिए और जानते हैं जनता से क्या कुछ उनकी राय है, क्या कुछ उनका मंशा है और क्या कुछ उनके मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर। कमाई अच्छी हो रही है आपकी? बिल्कुल नहीं, केजरीवाल ने सारे खा गए, केजरीवाल खा गए सारे खा गए। अभी तो आप नोट गिन रहे थे? अब गिन रहे थे, अभी सवारी लेके आए तो नोट तो गिनेंगे ही। अच्छा, केजरीवाल मतलब सब खा गए? सब खा गए। हैं? कैसे मतलब? वो सारे कुछ जो है फ्री कर रहा है तो खा ही गया ना जो है। अच्छा, फ्री से आप लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, तो क्या नुकसान जा रहा है मतलब? सारे सारे जो जो 30-40 रुपए का सवारी मिलता था, 50 की सवारी मिलता था, वो बंद हो गए। अच्छा, दो दो घंटे स्टैंड पे खड़े रहते हैं, लेडीज जो है वो बस में ही जाएगी जो है, वो ऑटो पकड़ेगा ही नहीं। अच्छा, जो महिला ये जो लेडीज है ये लोग अब बस में ऑटो में आना कम कर दे रहे हैं, फ्री बस में जा रहे हैं। हाँ जी, जिसकी लाख लाख रुपया सैलरी है वो भी बस में ही जाने को जो है तैयार बैठी है, एक एक घंटा बैठी रहती है वहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो ऐसे फिर आप लोग का काम कैसे चलता है? मैम काम कहाँ चल रहा है, बहुत काम की तो बहुत हालत खराब है जी। बसें फ्री कर दी, ये करना बहुत गलत करा, इससे हमारा रोजगार जुड़ा हुआ था, बिजली फ्री था, पानी फ्री था, तो हमारा कुछ वो नहीं था, इससे हमारा रोजगार था। इसके साथ साथ बाइकें चल रही हैं दिल्ली में, ना दिल्ली गवर्नमेंट देख रही ना सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही, वो बाइकें प्राइवेट जो जॉब कर रहे हैं वो सवारी ले जा रहे हैं कंपनी, जबकि वो सुप्रीम हाई कोर्ट ने बंद कर रखी है, फिर भी चल रही, वो धड़ल्ले चल रही, नंबर दो में चल रही, कोई कहने वाले ने कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, आजकल कमर्शियल प्लेटें भी नहीं लग रही है बाइकों? हाँ, वही तो बता रहा हूँ मैं, कमर्शियल प्लेटें नहीं, प्राइवेट टैक्स वो बाइकें हैं वो अपने घर से निकलते हैं, वो कंपनी में जोड़ रखी हैं, वो काम कर रहा है। हम सात आठ लाख रुपए का ऑटो लेके फायदा क्या है, इतनी महंगाई है, 80 रुपये गैस हो गई, 8 लाख रुपये का ऑटो आ रहा है, अब डीलर लोग खा रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है। आप बताओ 8 लाख रुपये का ऑटो, समझ गए? देवली विधानसभा का विधायक है प्रकाश जारवाल, 1 लाख रुपए पर डे की जो है वो वसूली कर रहा है अपने, हाँ जी, पर डे की वसूली हो रहा है, जनता तक जो है पानी नहीं पहुंच रहे, ये तो देखिए वो अपने आदमी छोड़ रखे हैं, जो पूर्व काउंसलर थे उसको जो है लगा रखे हैं पानी की वसूली के लिए, आदमी छोड़ रखे हैं, पानी मिलता ही नहीं, 50 लीटर 200 लीटर भरो 50 रुपया। तो दिल्ली में तो पानी फ्री है लेकिन? पानी कोई कुछ भी फ्री नहीं है जी, अभी मैं मकान बनाया हूँ, 9,000 रुपए का खाली टैंकर, जो 2,000 लीटर की टैंकर है वो 1,000-1,000 रुपए में बिक रहे हैं, उसको पानी मिल जा रहा है लेकिन आम जनता को नहीं मिल रहा है, आम जनता तक सुविधा नहीं पहुँच रही, टीवियों तक ही सीमित है क्या, टीवी में ही जो बड़े बस। अभी आप संगम विहार चले जाइए, रोड जो है आपको कैसा मिलेगा, कोई ऑटो वाले जाने को राजी नहीं होगा वहाँ पे, इलेक्शन आया तो आप खुदाई शुरू कर दिया, इलेक्शन खत्म वो रोड वैसे का वैसे गड्ढा रह जाएगा, बरसात में घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। देवली विधानसभा में 70% आप यमुना पार चले जाओ, बाहर चले जाओ, ये नई दिल्ली NDMC का एरिया छोड़ के कहीं भी चले जाओ, रोड खराब है, इतने बुरे रोड के हम जाते नहीं, क्या करें, रोड गाड़ी खराब हो जाएगी, इसे जाते नहीं है, रोज बेरोजगारी इतनी है कि सवारी मिलने को राजी नहीं, दो दो घंटे स्टेशन पे इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा। फिर ओला कंपनी उबर कंपनी आ गई, पूरे हिंदुस्तान की गाड़ी दिल्ली में चल रही है, हम पंजाब की, हरियाणा की, यूपी की, अब लगा यूपी 78 यूपी 74 MP दिल्ली में चल रही है गाड़ी, क्या होगा बताओ, मतलब सारे स्टेट के मिला के सब दिल्ली में आ रहे, मतलब कुछ नहीं मैडम सब धड़ल्ले चल रही है, नंबर दो में सब सारी चीजों से आप लोगों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा सर, आपको ये रैपिडो ओला उबर से क्या कुछ परेशानी हो रही है? मैडम काम ही नहीं हो रहा, आधा काम तो हमारा वही ले गए। अच्छा, आप कब से खाली हुई बैठे सवारी का इंतजार कर रहे हैं? हो गया एक घंटा हो गया, अभी तक सवारी नहीं आई, वो भी यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे सवारियों का ये ताका लगा रहता है। मैडम कहना दुनिया भर के तो टैक्सी उधर चल रही है, यहाँ तो कुछ सवारी कोई छूट के आ गई तो यहाँ आ गई, नहीं तो कोई नहीं आती, हमारा NCR ऑटो नोएडा दिल्ली। अच्छा, तो आप लोग उधर नहीं जा सकते हैं? नहीं जाते हैं, या कोई सवारी जैसे मान लो बातचीत हो जाती है तो चले जाते हैं उठाने सामान।
परेशानी है दिल्ली में लोगों की, वो बरकरार है चाहे पानी की हो, बिजली की हो। और ये जो फ्री बसें हो रखी हैं, इससे कहीं ना कहीं ऑटो रिक्शे वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। इनका कहना है कि सवारी नहीं आती, खासकर अगर जो महिला सवारी की बात करें तो वो तो ऑटो की तरफ देखती तक नहीं है, क्योंकि हाँ वो फ्री, चाहे वो 1 लाख कमाए या 2 लाख कमाए, तो ऑटो तक नहीं आती। तो यही कुछ दिल्ली की जनता की परेशानी है। तो चलिए देखते रहिए, HB कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं सुष्टि शाह।